हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बड़ी खबर ये है कि भाई आशिकी 3 के मेकर्स अलग हो गए हैं और अब आशिकी 3 होल्ड पे चली गई है। जी हाँ, आशिकी 3 जिसे अनुराग बासु डायरेक्ट करने वाले थे और मुकेश भट्ट के साथ भूषण कुमार प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन अब भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें लिखा है कि टी सीरीज अनुराग बासु के साथ जो फिल्म बना रही है वो एक अलग फिल्म है जिसका आशिकी 3 और आशिकी फ्रेंचाइज से कोई लेना देना नहीं है। एक अलग फिल्म है जिसे अनुराग बासु डायरेक्ट करेंगे और कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आएंगे, लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी आशिकी 3 बनेगी टी सीरीज विशेष फिल्म के साथ आशिकी 3 को प्रोड्यूस करेगी। तो इतना तो कन्फर्म हो गया है कि अभी आशिकी 3 में काफ़ी टाइम लगेगा। कुछ तो हुआ है क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम आशिकी 3 के बारे में सुनते आ रहे हैं और अब कल अचानक से खबर आती है कि जो आशिकी 3 थी वो आशिकी 3 नहीं है बल्कि वो एक अलग फिल्म है। ये खबर सुनकर लोग काफ़ी निराश हुए हैं, लेकिन टी सीरीज ने कहा है कि वो जो फिल्म बना रही है वो फिल्म भी काफ़ी खास होगी। तो देखते हैं डायरेक्टर अनुराग बासु और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म कैसी होती है। क्या कहना चाहेंगे आप आशिकी 3 के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अजय देवगन की आने वाली फिल्म मैदान का ऑफिशियल ट्रेलर लीक किया गया है। यकीन मानो, मैदान का ट्रेलर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब अजय देवगन कहते हैं, इसलिए आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिख रहा एक फुटबॉल कोच की कहानी है जो इंडिया का नाम दुनिया भर में रोशन करना चाहता है। कैसे वो एक फुटबॉल टीम बनाता है और ओलंपिक में देश का नाम रोशन करता है, ये हमें आगे फिल्म में देखने को मिलेगा। ट्रेलर काफी अच्छा है जिसमें अजय देवगन की बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिल रही है। तो देखना होगा लंबे समय से रुकी हुई अजय देवगन की ये फिल्म कैसी होती है। मैदान इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। आप लोगों को मैदान का ट्रेलर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुझे लगता है कि हम दुनिया की कोई भी टीम को हरा सकते हैं, और हार के वापस आ गए तो मैं दोबारा कभी किसी टीम को कोच नहीं करूंगा। कल जाह्नवी कपूर के जन्मदिन पर आरसी 16 के मेकर्स ने कन्फर्म कर दिया है कि जाह्नवी कपूर आरसी 16 में रामचरण के साथ नजर आएंगी। आरसी 16 रामचरण की अगली फिल्म है जिसे बुची बाबू सना डायरेक्ट करेंगे। आरसी 16 की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2025 के अंत तक रिलीज होगी। तो जूनियर टीआर के बाद अब जाह्नवी कपूर रामचरण के साथ भी नजर आएंगी। जूनियर टीआर की देवरा इस साल के अंत तक रिलीज होगी और रामचरण की आरसी 16 2025 के अंत तक रिलीज होगी। क्या कहना चाहेंगे आप जाह्नवी कपूर की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कल्कि की टीम इटली गई है जहां वो कल्कि फिल्म का एक स्पेशल सॉन्ग शूट करेंगे। कल्कि का ये सॉन्ग प्रभास और दिशा पटनी के बीच शूट होगा। यहां पर कल्कि के मेकर्स ने एक फोटो शेयर किया है जिसमें हम कल्कि की टीम को देख सकते हैं। कल्कि की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अभी इसके पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि फिल्म को रिलीज होने में अब सिर्फ 2 महीने और बचे हैं, लेकिन अभी तक इसका पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखना होगा कि कल्कि फिल्म को लेकर आगे क्या होता है। गणपत और शैतान फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल एक हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं जिसकी कहानी बैटल ऑफ नवसेरा के ऊपर बेस्ड होगी। विकास बहल और उनकी टीम ने कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की है जो इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी फिल्म से जुड़ी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा गया है कि विकास बहल उनकी टीम फिल्म की कहानी पर काम कर रही है। विकास बहल की पिछली फिल्मों को देखें तो इस फिल्म में भी हमें कोई बड़ा एक्टर देखने को मिलेगा। वॉर ड्रामा फिल्म है तो देखना होगा डायरेक्टर विकास बहल अपनी इस फिल्म के लिए किस एक्टर को अप्रोच करते हैं। अभी विकास बहल की जो फिल्म आ रही है उस फिल्म का नाम है शैतान। विकास बहल के डायरेक्शन में बनी अजय देवगन की ये फिल्म कल 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विष्णु मांचो की आने वाली फिल्म कानप्पा का फर्स्ट लुक कल 8 मार्च को रिलीज होगा। कानप्पा एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी शिव जी के सबसे बड़े भक्त कानप्पा के ऊपर बेस्ड होगी। जैसा कि कल महाशिवरात्रि है तो कल उसी मौके पर कानप्पा का फर्स्ट लुक रिलीज होगा। विष्णु मांचो फिल्म के लीड रोल में होंगे जो इस फिल्म में कानप्पा के रोल में नजर आएंगे। वहीं प्रभास शिव जी और नयनतारा पार्वती के रोल में कैमियो रोल में नजर आएंगे। कानप्पा की शूटिंग चल रही है और कहा गया है कि ये फिल्म इसी साल के अंत तक रिलीज होगी। धनुष और डायरेक्टर शेखर कमोला की फिल्म का फर्स्ट लुक टाइटल भी कल महाशिवरात्रि के मौके पर रिलीज होगा। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें धनुष के साथ नाग अर्जुना, जिम सराब और रश्मिका मंदना अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और कहा गया है कि फिल्म इसी साल के अंत तक रिलीज होगी। तो कल 8 मार्च को शाम 4:05 पर DNS का फर्स्ट लुक टाइटल आने वाला है। धनुष से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि धनुष की आने वाली फिल्म रायन मई के एंड तक रिलीज होगी। जी हाँ, खबरों की माने तो रायन के मेकर्स मई 2nd और 3rd वीक का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक रायन का फर्स्ट सिंगल रिलीज होगा और उसके बाद इसका पहला टीजर आ सकता है। तो आने वाले कुछ दिनों में रायन की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस होगी। रायन का फर्स्ट लुक पोस्टर तो आप सबने देखा ही होगा।
एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे खुद धनुष ने ही डायरेक्ट किया है। तो आने वाले कुछ दिनों में रायन का टीजर रिलीज होगा और ये फिल्म मई के एंड तक रिलीज होगी। संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है। पर खबरों की माने तो हीरा मंडी अप्रैल के महीने से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि अप्रैल के मिड से आपको हर हफ्ते हीरा मंडी का एक एक एपिसोड देखने को मिलेगा। टोटल 8 एपिसोड हैं और अगर ये सीरीज अप्रैल से स्टार्ट होती है तो फिर जून के महीने में खत्म होगी। देखना होगा कि हीरा मंडी की ऑफिस रिलीज डेट क्या होती है। नीरज पांडे की अगली फिल्म में तमन्ना भाटिया को साइन किया गया है। लीड एक्टर से जुड़ी अभी कोई अपडेट नहीं आई है, पर इस अनटाइटल्ड फिल्म में तमन्ना भाटिया फीमेल लीड में नजर आएंगी। इस अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और कहा गया है कि ये फिल्म इसी साल के एंड तक किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। हेलबॉर्न के डायरेक्टर येन शांग हो की एक साईफाई थ्रिलर सीरीज आ रही है जिसका नाम है पैरासाइट द ग्रे। आज पैरासाइट द ग्रे का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें हमें एक फैंटेसी थ्रिलर कहानी नजर आ रही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कुछ अजीब से क्रिएचर कहीं से आते हैं और वो इंसानों के अंदर घुस जाते हैं और वो उन्हें अपने काबू में कर लेते हैं। ये क्रिएचर कहां से आते हैं, कैसे इंसान इन क्रिएचर से बचते हैं, ये हमें आगे सीरीज में देखने को मिलेगा। मुझे पैरासाइट द ग्रे का ट्रेलर काफी अच्छा लगा और मैं इस सीरीज को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पैरासाइट द ग्रे में टोटल 6 एपिसोड होंगे और ये सीरीज 5 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। इंसान होने का नाटक अच्छा कर रही हूँ। ये हम में से एक नहीं है, ये अलग लग रही है। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। मैरी क्रिसमस जनवरी के महीने में रिलीज हुई थी जिसमें हमें एक मिस्ट्री थ्रिलर कहानी देखने को मिली थी। हाँ, लेकिन 60 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, जिसे अभी IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग काफी अच्छी है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तो अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप इस फिल्म को आज रात 12 बजे से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में रिलीज हुई ममोटी की सुपरहिट फिल्म बर्मा युगम की OTT रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। बर्मा युगम एक डार्क फैंटेसी हॉरर फिल्म है जिसे अभी IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली है। बर्मा युगम को बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया था जिसने 50 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। तो अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है जिसे आप 15 मार्च से सोनी लिप पर मलयालम के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषा में भी देख सकते हैं। വളരെ കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു അതിഥി എത്തുന്ന മഹതായ ദിവസം എന്റെ മനക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം। गाय रिची की क्राइम ड्रामा सीरीज द जेंटलमैन को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। टोटल 8 एपिसोड हैं जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। हमें बनना पड़ेगा एक क्रिमिनल। हम क्रिमिनल नहीं है फ्रेडी। हुमा कुरैशी की पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज महारानी सीजन 3 को सोनी लिप पर रिलीज किया गया है। सीजन 1 और सीजन 2 की तरह सीजन 3 में भी टोटल 10 एपिसोड होंगे जो आप अभी सोनी लिप पर देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो हुमा कुरैशी की ये सीरीज आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।